स्पिन सेलेक्शन रूल। तो स्पिन सेलेक्शन रूल की जब हम बात करते हैं तो सबसे मेन चीज़ आपके सामने आने वाली है डेल एस इज इक्वल टू जीरो। ये बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, तो पहले बता देता हूँ ये क्वेश्चन अगर आप बीएससी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो ये थर्ड ईयर का टॉपिक है, और थर्ड ईयर के टॉपिक में आपको केवल और केवल क्वेश्चन आपको जो मिलने वाला है ये वन मार्क्स का मिलेगा। अब ये स्पिन सेलेक्शन रूल होता क्या है ये आपको बता देता हूँ। तो जब भी ट्रांजिशन होगा, ड्यूरिंग ट्रांजिशन देयर इज नो चेंज इन स्पिन। मतलब समझा कि जब भी ट्रांजिशन हो रहा है तो ट्रांजिशन के दौरान आपके स्पिन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, और इसी को हम कह रहे हैं स्पिन सेलेक्शन रूल। इस रूल में केवल और केवल दर्शाया गया है कि डायलेज इज इक्वल टू जीरो, और डायलेज कुछ और नहीं केवल और केवल ये स्पिन चेंज है। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्पिन चेंज जो हमने डायलेज से हमने यहाँ पर दिखाया है वो कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो हमने यहाँ लिख दिया डायलेज इज इक्वल टू जीरो, और यही रूल है। दैट मीन कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन देर इज नो चेंज इन स्पिन एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्पिन सेलेक्शन रूल। और इसमें आप एक बात देखेंगे कि इसके साथ में स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है ना, उसमें भी कोई चेंज नहीं आता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, देर इज नो चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो एक कॉमन सा लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई अभी तक तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि आप ये लाइन आप अच्छे से याद रख लीजिए, ड्यूरिंग ट्रांजिशन देयर इज नो चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और नीचे ये लिख कर आना है आपको डेल्टा एस एम इज इक्वल टू जीरो। अब जो डेल्टा एस एम है वो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और जो डेल्टा एस है वो है स्पिन चेंज, स्पिन मल्टीप्लिसिटी और स्पिन चेंज। और अब आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी को थोड़ा समझा देता हूँ, सॉरी थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम मेंशन, हाँ सॉरी मेंशन के समझा देता हूँ आपको, वो हम यहाँ पर आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 से इस फॉर्मूला है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसी की भी निकालनी है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2s+1। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए हमारे पास डी ऑर्बिटल है जिसमें कितनी शेल्स होती है, 5 है भैया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर स्पिन जो है वो किसको मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2 × 2 यहाँ कितना है, 1.5 है, तो 1/2 हाफ फील्ड है ना भैया, हाफ फील्ड है, तो 1/2 + 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे, यहाँ से ये कट गया, दैट मीन यहाँ 2 आया है। इसके लिए 2 वैल्यू है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, समझ गए यहाँ तक। तो अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकली अप्रोच से बता देता हूँ, जैसे कि भैया हायर और ये लो एनर्जी स्टेट है ना, हाई एनर्जी स्टेट और लो एनर्जी स्टेट। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी मिलती है तो हाई स्टेट में जाता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रखा हुआ है उसे एनर्जी मिलने के कारण वो क्या करेगा, हाई ऑर्बिटल की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, मतलब जंप करेगा हायर ऑर्बिटल में। तो इसने क्या करा, इसने जंप करा यहाँ पे हाई पे। अगर उसका फेस सीधा था और अगर सीधा रहा तो ये स्पिन सिलेक्शन रूल के लिए बहुत सही बात है, मतलब ये कंडीशन जो है इसके लिए परफेक्ट है। बट
ये हाई है और लो एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा था, एनर्जी मिली परंतु इसका जो साइज था शेप नीचे चेंज हो गया, नीचे आ गया। अब नीचे आ गए तो क्या हुआ, नीचे आया तो भैया ये जो कंडीशन ना ये चलेगी नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, देर इज नो चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी और नो चेंज इन स्पिन। स्पिन पे चेंज हुआ नहीं हुआ, पर यहाँ चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये तो हमारे रूल के हिसाब से है ही नहीं, तो ये रूल के हिसाब से है और यही समझाना चाहता है ये रूल कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के दौरान, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लीजिएगा, है ना। ड्यूरिंग ट्रांजिशन देर इज नो चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी और स्पिन चेंज, तो पहले जैसा था वैसा ही बाद में है, और यही आपको बताना चाहता है स्पिन सेलेक्शन रूल। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और इसीलिए एक बात और नोट करना कि डायलस इज इक्वल टू जीरो है, कि मतलब स्पिन चेंज नहीं हुआ तो डायलस जीरो हो गया, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने जो समझाने की कोशिश करी वो आपको आया होगा, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।